हम लोग पढ़ते हैं रूल्स गवर्निंग ऑफर। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑफर बता दिया है। आज तुम क्या करो, ऑफर के रूल्स सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से करना। रूल नंबर वन मैं लिख रहा हूं, ऑफर मस्ट बी क्लियर डेफिनेट एंड सिंपल। सिंपल सी बात है बेटा, जब आप किसी को ऑफर करोगे क्लियर टर्म्स में करो, एक बार में उसको समझ आ जाए। डेफिनेटली करो मतलब आपके मन में खुद कोई शक ना हो, और सिंपल टर्म्स में करो ताकि उसके मन में कोई डाउट ना रहे। जैसे एग्जांपल देते हैं, आई विल बाय योर कार एट 1 लाख। देखो सिंपल सी बात है, क्लियर है कार देनी है, डेफिनेट है कि खरीद रहा है, विल बाय और कितने में, सिंपली 1 लाख में। अच्छा एग्जांपल चेंज करता हूं, आई मे बाय योर कार। क्लैरिटी दिख रही है क्या? मे आ गया मतलब शायद, तो क्लियर डेफिनेट सिंपल नहीं रह गया। ऑफर का दूसरा रूल, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर करता कौन है? ऑफरर। किया किसको जाता है? ऑफरी। तो बात क्या है यहां पर, ऑफर का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक ये ऑफरर की बात ऑफरी तक पहुंचेगी नहीं, कम्युनिकेशन कैसे पूरा माना जा सकता है। इसमें केस का नाम याद रखना आप, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। एक और केस है, कहानी सेम है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये दोनों केस बेटा याद रखना बहुत अच्छे से। केस की कहानी बता दे रहा हूं, ये वाला केस बताता हूं समझो, लालमन शुक्ला गौरी दत्त वाला। गौरी दत्त का ना नेफ्यू खो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को नेफ्यू को ढूंढने भेजता है। अब जब लालमन शुक्ला क्या है, नेफ्यू को ढूंढने निकल जाता है ना, तो गौरी दत्त क्या करता है, पैम्पलेट छपवाता है कि जिसे भी ये बच्चा मिलेगा उसे 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। ये नेफ्यू लालमन शुक्ला को रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ क्या है, मिल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, नेफ्यू मिल तो जाता है लालमन शुक्ला को, तो ये ले जाता है और गौरी दत्त को क्या करता है, नेफ्यू को ले जाके सौंप देता है। नेफ्यू को किसको सौंप देता है, ले जाके गौरी दत्त को सौंप देता है। उस टाइम इसको पता नहीं होता बेटा कि बच्चे पे इनाम कितना है, तो ये चला जाता है घर। बाद में इसको पता लगता है बच्चे पे 500 रुपए इनाम था। क्या वो वसूल पाएगा कि नहीं, क्लेम कर पाएगा कि नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि जब वो परफॉर्म कर रहा था तब उसे इस ऑफर के बारे में पता नहीं था, और जब पता लगा तब परफॉर्मेंस पूरी हो गई थी। तो इससे समझ आना चाहिए कि ऑफर का क्या होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। दो रूल समझ आ गए हो कि, उम्मीद करता हूं। थर्ड रूल पे आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के करना। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मियर डिक्लेरेशन, मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन मतलब पता है, सिर्फ सोच बताना, सिर्फ सोच बताना। क्या होता है जब ऑफर किया जाता है बेटा किसी को ना, हमेशा याद रखो, जब किसी को ऑफर किया जाता है तो उसमें अपनी फाइनल विलिंगनेस बताई जाती है, फाइनल विलिंगनेस बताई जाती है कि पक्का पक्का आप क्या करने वाले हो। मियर डिक्लेरेशन का मतलब होता है इंटेंशन बताना कि ऐसा कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, आई वॉन्ट अ पार्टनरशिप विथ यू। मैं आपके साथ पार्टनरशिप चाहता हूं, मेरी फाइनल विलिंगनेस है, तो ऑफर है। अब इसी को अगर मेरे को मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, आई मे इन फ्यूचर एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ यू। भविष्य में शायद कभी मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा।
जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी जमीन तुम्हें बेच रहा हूँ, तो ये ऑफर है, मैं शायद तुम्हें अपनी जमीन बेचूंगा, तो ये मियां डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन हो गया। तो ये तीसरा रूल याद रखना, ऑफर को आपको डिस्टिंग्विश करना होगा मियां डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन से। नेक्स्ट रूल, चौथा रूल, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर मतलब होता है इनवाइटिंग पर्सन टू ऑफरस, हमें ऑफर करें आके। होता क्या है कि जब हम किसी को ऑफर करते हैं तो हम खुद सामने वाले के पास जाते हैं, अपनी विलिंगनेस बताते हैं, ठीक है। सामने वाला हाँ बोल दिया तो ठीक, ना बोल दिया तो ठीक, ठीक बात है। ये कब होता है, जब माइक्रो लेवल पे बात होती है, छोटे लेवल पे बात होती है, ठीक है। लेकिन जब आप एक लेवल से बड़े हो जाते हो तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो लेट पीपल मेक मी ऑफर, फिर आपकी चॉइस होगी आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं। एग्जांपल, मेरी छोटी सी शॉप पे जो आएगा मैं उसको खुद ऑफर करूंगा, ठीक बात है। लेकिन अगर मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है तो मैं क्या करूंगा, प्राइस टैग के साथ सामान रख दूंगा, जिसकी गरज होगी आएगा उठाएगा, मेरे पास खरीदना है मुझे ऑफर करेगा, लगा तो बेचूंगा वरना बोल दूंगा बुक्ड है नहीं बिक पाएगा। तो हर बड़ी जगह पर आप जाके इंडिविजुअली ऑफर नहीं कर सकते, तो आप सबको इनवाइट करते हो ऑफर करने के लिए। जैसे कंपनियां जब प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं तो वो क्या करती हैं, पब्लिक को बोलती है आओ एप्लीकेशन डालो शेयर खरीदो, जितनों को लगेगा अलॉट करेंगे, बाकियों को पैसा रिफंड कर देंगे। आप टैक्सी पकड़ते हो तो टैक्सी वाला आपको ऑफर करता है भैया यहाँ ले जाऊंगा, लेकिन रेलवे अगर देखोगे या बस देखोगे तो इनका टाइम टेबल लगा रहता है, आपको जाके ऑफर कर दे कि हमें बैठना है, टिकट होगी तो देंगे वरना नहीं देंगे। रेस्टोरेंट जहां मेन्यू कार्ड होता है, आप मेनू कार्ड देखो, रेस्टोरेंट ओनर या वेटर को बोलो कि भैया मेरे को ये खाना है, होगा तो देगा वरना बोल देगा सॉरी सर नॉट अवेलेबल। और ये चीज कहाँ हो सकती है, ऑक्शन सेल, सीधे सामान अगर बेचते हो सेल करते हो तो एक ऑफर है, लेकिन ऑक्शन सेल का क्या मतलब होता है बेटा, ऑक्शन मतलब नीलामी होता है, लोग आके आपको आपको ऑफर करते हैं, इनवाइट करते हो लोगों को, जिनकी बोली सबसे ऊंची होती है उसको आप सामान क्या करते हो, बेच देते हो। तो देखो कहाँ का, हर बड़ी जगह डिपार्टमेंटल स्टोर, जब कंपनियां प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, रेलवे बस टाइम टेबल, रेस्टोरेंट, ऑक्शंस, अच्छा गवर्नमेंट के टेंडर, लोग आके अपनी तरफ से बोलते हैं कितने कम में काम करके देंगे, जिसका ऑफर बेस्ट होता है उसको टेंडर मिल जाता है। तो ये सब बड़ी जगह है जहां लोगों को इनवाइट कर दिया जाता है, आओ यार हमको ऑफर करो, जमा तो हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो मना कर देंगे। तो फर्क देखो, छोटी जगह पे जाके अपना ऑफर दे दो, विलिंगनेस करो, जब जगह बड़ी हो जाए एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए तो ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट करने लगती है, जमे तो एक्सेप्ट करो नहीं तो मना कर दो, ये बात आप भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट रूल, ऑफर should not contain a term non-compliance of which leads to acceptance। साधारण भाषा में acceptance दी जाती है, समझी नहीं जाती। एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं, 5 मिनट का इंतजार करूंगा, अगर जवाब आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं इसको आपकी हां मान लूंगा 5 मिनट बाद। तो ये चीज गलत है, ना मानना ठीक होता, लेकिन 5 मिनट बाद अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो आप इसको मेरी हां नहीं मान सकते। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच लीड्स टू एक्सेप्टेंस का मतलब यही होता है, आप कोई ऐसी शर्त जैसे 5 मिनट की शर्त है मत डालो जिसको पूरा ना कर पाने पर सामने वाले की एक्सेप्टेंस मानी जाए, ये गलत चीज है, ये अलाउ नहीं की जाएगी बेटा, भूलना मत।
छठवां रूल लिख रहा हूं, सिक्स्थ रूल याद रखो, इफ देयर आर स्पेशल टर्म एंड कंडीशन इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑफर, अदरवाइज इट वुड नॉट बी एनफोर्सेबल। क्या होता है, ऑफर के साथ टी एंड सी टर्म एंड कंडीशन होती है। अब बताने का एक तरीका यह है कि आप पूरा एक्सप्रेस वे में फॉर्म भर के पूरा शर्तें बता दो, नियम शर्तें। नहीं तो और भी तरीके, स्टार बना दो, स्टार स्टार टी एंड सी लिख दो, एक ऐसा 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 मार्क बना दो, ये भी तरीका है। जैसे पेपर में ऐड आया, पेपर में ऐड आया एप्पल का आईफोन, ₹1 में ले जाओ तो ऊपर दो स्टार बना देगा ना, मतलब ये टी एंड सी अप्लाइड है। तो ऑफर करते समय शर्त बतानी चाहिए, बाद में बताओगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ड्राई क्लीन कंपनी चलाता हूं। अब यहां पर कंडीशन ये है मेरी कि अगर क्लोथ डिस्ट्रॉय हुए, क्लोथ डिस्ट्रॉय हुए तो मैं 50% कंपनसेट करूंगा। अब आप मेरे यहाँ आए, कपड़े रखवाए, मैं आपको एक पर्ची देता हूं जिसके सामने लिखा है सी बैक साइड, ठीक पीछे कंडीशंस ऐसी लिखी हुई है। अब यहाँ पे अगर सी बैक साइड लिखा है तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि मुझे शर्तें पता है। अब कल को कपड़े खराब हो गए तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ कितना परसेंट मांग सकता हूँ, 50%। सपोज करो अगर ये चीज यहाँ नहीं लिखी होती या कोई मार्किंग नहीं होती तो मैं पागल थोड़ी ना हूं कि पीछे पन्ने पलट के देखूंगा, तो मैं 100% पैसा मांग सकता था। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई। तो ये बेटा सारे रूल्स थे कितने ऑफर के, आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट अब इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस का, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। एप्लीकेबल सेक्शन है 2 सबसेक्शन B, ठीक है। एक्सेप्टेंस कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज कंसेंट टू अदर्स विलिंगनेस, किसी की इच्छाओं पे जब आप अपनी कंसेंट या विलिंगनेस दे देते हो तो इसको बेटा क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं। मतलब आपने हाँ कह दी कुल मिलाकर, किस यहां कहीं टू डू कुछ करने के लिए या फिर टू एब्सटेन कुछ ना करने के लिए। तो इसमें क्या सिंपल से 3 रूल हैं जो याद रखना है, इसमें कोई टाइप वाइप वाली बात है नहीं। अगर जनरल ऑफर होगा तो एक्सेप्टेंस भी जनरल होगी, अगर एक्सप्रेस ऑफर होगा तो एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस होगी, अगर इम्प्लाइड ऑफर होगा तो एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड हो सकती है। तो इसका रूल नंबर 1 याद रखना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जब आप किसी को हाँ कहते हो तो पूरी तरह से कहो, देखूंगा सोचूंगा मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, बोलने को नहीं माना जाएगा। वैसे ही अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब शर्त मत लगाओ, शर्त लगाओगे तो बार्गेनिंग हो जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं, तो ऑफर लैप्स हो जाएगा बेटा, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, सामने वाला अंतर्यामी नहीं है, जब तक आप उसको अपनी हाँ कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक कैसे वो मानेगा कि आपने ऑफर को हाँ कहा है कि नहीं कहा है। इसमें केस याद रखना, केस का नाम है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का केस। बिंडले का एक फार्म था जिसमें हॉर्सेस थे, वो अपने हॉर्सेस को बेच रहा था तो कुछ हॉर्स में उसने अब फेल्ट हाउस के लिए बचा कर रखे कि वो खरीदेगा। बिंडले ने उसको ऑफर लेटर भी भेजा, फेल्ट हाउस को खरीदना तो था पर उसने बिंडले को कोई रिप्लाई नहीं किया। तो क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आया बिंडले को, तो इसने क्या किया, उठा के हॉर्सेस बेच दिए।
अब फेल्ट हाउस उस पर केस कर रहा है कि मैंने तो हाँ बोल दिया था, फिर आपने कैसे हॉर्सेस उठा के किसी और को बेच दिए। तो कोर्ट ने बोला जब तक आप अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करोगे सामने वाले को कैसे पता लगता, और बिंडले ने जो यहाँ किया वो बिल्कुल सही किया हॉर्स को बेच के, ये बात याद रखो। तीसरा और आखिरी रूल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मोड। यहां बेटा प्रिस्क्राइब मोड का मतलब होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आपको बोला कि एक्सेप्टेंस देना, आपको वैसी देनी होगी। अगर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि मुझे एक्सेप्टेंस वाया ईमेल दो, तो आप अपने एक्सेप्टेंस कैसे दोगे मुझे? भाई ईमेल दोगे। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो मैं मानूंगा मेरा ऑफर आपके लिए लैप्स हो गया, क्योंकि मैंने जो तरीका बोला था आपने माना ही नहीं। अगर मैं आपको बोलता हूँ लेटर भेजो, तो आप क्या भेजना मुझे? लेटर। जैसे गवर्नमेंट अगर कुछ ऑफर करती है या रिक्रूटमेंट निकालती है तो बोलती है हमको लेटर भेजो, तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं किसी को ऑफर करूं और कोई मोड प्रिस्क्राइब ना हो, तो फिर याद रखना एक्सेप्टेंस किसी भी मोड में दी जा सकती है। अच्छा, मैं आपको ऑफर करूं, मैं आपको बोला मुझे एक्सेप्टेंस ईमेल से चाहिए, आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया, लेकिन मुझे अगर इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो एक्सेप्टेंस पूरी मानी जाएगी। तो तीनों बातें याद रखो। सबसे पहला क्या, अगर मैंने मोड प्रिस्क्राइब किया तो एक्सेप्टेंस मुझे उसी मोड से दो। अगर मैंने कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो जैसे देना वैसे दे दो। अगर मैंने मोड प्रिस्क्राइब किया लेकिन तुम कोई और मोड यूज करते हो पर मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई है। तो आज इतना टॉपिक करते हैं, आपको समझ आ गया होगा मैं उम्मीद कर।